इतना लोग है, सब अपना बात बोलेगा तो हमको याद रहेगा, लिखित में दीजिएगा तब ना रिकॉर्ड में रहेगा, लिखित में दे दीजिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं, मेरा नाम है उत्कर्ष। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों लोगों से काफी ज्यादा मुलाकात कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आज 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास की है, जहां पर तेजस्वी यादव जो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, वो जनता से बात कर रहे हैं, या यूं कह लें कि जनता दरबार वो लगा रहे हैं। कई फरियादी आते हैं तेजस्वी यादव से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो लिखित में चीजें लेकर नहीं आते हैं और फरियाद तेजस्वी यादव तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो फरियादी हैं वो तेजस्वी यादव से मांग कर रहे हैं कि उनका काम जो है वो पूरा नहीं हो रहा है, कई सरकारी तंत्र हैं जो काम नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि आप लिखित में लाएं तो आपका कार्य पूरा होगा, क्योंकि ऐसे में कई लोग जो हैं वो जनता दरबार में आते हैं, अपनी फरियाद लेकर आते हैं तेजस्वी यादव के पास, और ये उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव उनकी बात सुने, क्योंकि तेजस्वी यादव सरकार में है, महागठबंधन की सरकार बन गई है। पहले ये तस्वीरें देखें किस तरीके से जो फरियादी हैं वो तेजस्वी यादव से बात कर रहे हैं और उम्मीद और आस लगा रहे हैं। आपके लिए हम लोग जान प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं, हम लोगों को भेंट भी नहीं करने देते। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, भेंट नहीं तो क्या है, भेंट नहीं तो क्या है सर? हम चाह रहे हैं ना छपरा से सुधांशु भैया को थोड़ा सरकार में जगह दिए जाए। ये बेटी है ना तेरा। अच्छा आप एक मिनट हम पहले बोल ले। इतना लोग है, सब अपना बात बोलेगा तो हमको याद रहेगा, लिखित में दीजिएगा तब ना रिकॉर्ड में रहेगा, लिखित में दे दीजिए। 5 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं 2 मिनट के लिए। बारसोई में पोस्टिंग है सर जी, हमारा दामाद है जो सासाराम में है सर जी, हमको खाली ट्रांसफर तो इन तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जो हैं वो फरियादियों की बात भी सुन रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आपसे बात करना है इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं, आपकी जो भी फरियाद है वो लिखित में दे ताकि हम आगे पहुंचा सकेंगे और लिखित जो चीजें होती हैं वो सरकार में सामने रखी जा सकती है। और ऐसे में जब महागठबंधन की सरकार बन गई है और 20 लाख रोजगार या यूं कह लें कि नौकरियों की बात आ रही है, तो जो फरियादी हैं वो तेजस्वी यादव से मिलने आ रहे हैं और लगातार जो जनसंपर्क की बात हो रही है तेजस्वी यादव लोगों से कर रहे हैं। प्रतिदिन तेजस्वी यादव शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच उन फरियादियों से बात करते हैं जो तेजस्वी यादव से मिलने 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास आते हैं। और ऐसे में आज की भी तस्वीरें आपने देखी कैसे उप मुख्यमंत्री से वो बात कर रहे हैं और अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, हालांकि साफ तेजस्वी ने कह दिया आप लिखित दें कार्य पूरा होगा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।